नमस्कार, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आप दर्शकों के डिमांड को देखते हुए आज से हम अपने सेट में प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आज से प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी। आज से इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। सवाल नंबर 1, बिहार की उत्तरी सीमा इनमें से किस देश के साथ लगती है? ए भूटान, बी चीन, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। और इसका सही जवाब है सी नेपाल। सवाल नंबर 2, इनमें से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है? ए अमरूद, बी लीची, सी केला, डी अनानास। और इसका सही जवाब है बी लीची। सवाल नंबर 3, बिहार में सिल्क सिटी किस शहर को कहा जाता है? ए पटना, बी दरभंगा, सी मधुबनी, डी भागलपुर। और इसका सही जवाब है डी भागलपुर। सवाल नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता है? ए ताम्र युगीन सभ्यता, बी लौह युगीन सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी कांस्य युगीन सभ्यता। और इसका सही जवाब है डी कांस्य युगीन सभ्यता। सवाल नंबर 5, इनमें से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है? ए कल्पसूत्र, बी त्रिपिटक, सी तोरा, डी द अवेस्ता। इसका सही जवाब है बी त्रिपिटक। सवाल नंबर 6, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरोजनी नायडू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी लोकमान्य तिलक। और इसका सही जवाब है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल नंबर 7, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी रतौंधी, सी घेघा, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए रिकेट्स। सवाल नंबर 8, विनेगर का सामान्य नाम क्या है? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी ऑक्जैलिक एसिड, डी सिट्रिक एसिड। और इसका सही जवाब है बी एसिटिक एसिड। सवाल नंबर 9, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? ए फ्रांस, बी स्वीडन, सी नॉर्वे, डी डेनमार्क। और इसका सही जवाब है ए फ्रांस। सवाल नंबर 10, इनमें से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? ए चंबल, बी गोदावरी, सी केन बेतवा नदी लिंक, डी नर्मदा। और इसका सही जवाब है सी केन बेतवा नदी लिंक। सवाल नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। और इसका सही जवाब है सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। सवाल नंबर 12, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी भाषाओं से, सी शपथ ग्रहण से, डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। और इसका सही जवाब है डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। सवाल नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सुप्रीम कोर्ट। और इसका सही जवाब है सी राष्ट्रपति। सवाल नंबर 14, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? ए यूएनडीपी, बी डब्ल्यूएचओ, सी आईएमएफ, डी विश्व बैंक। और इसका सही जवाब है ए यूएनडीपी। सवाल नंबर 15, भारत में मूगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? ए असम, बी बिहार, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। और इसका सही जवाब है ए असम। पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम है बंटी चौरसिया, नीतीश कुमार, श्रीनंदन शर्मा, रोहित सिंह, संतोष कुमार चौरसिया, कॉम्रेड एकेडमी, श्रवण कुमार, खुशबू झा, शम्स आगाज, हसीना कुमारी, सुजय कुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।